तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोनी पिक्चर्स बहुत जल्द बड़े स्क्रीन पर शक्तिमान मूवी लाने वाला है। दोस्तों, हम सब शक्तिमान देखकर बड़े हुए हैं, साथ ही साथ गंगाधर की किरदार किसे पसंद नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म शक्तिमान के बजट, किसको कौन सा किरदार मिलेगा और कौन कर रहा है मूवी को डायरेक्ट। तो दोस्तों, बात करें बजट की तो फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी बजट वाली मूवी इंडिया में बनाई जाएगी। जितने कमाई में इंडस्ट्री की मूवीज बन जाती हैं, उतना बजट में शक्तिमान के फिल्म मेकिंग किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शक्तिमान मूवी का बजट पूरे 750 करोड़ है, जो अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली मूवी बन सकती है। वहीं बात करें मूवी के विलन की तो विलन का किरदार बेहद खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि शक्तिमान के विलन का जो तमराज किल्विस है, उसका रोल बेहद खास एक्ट्रेस को दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस रोल के लिए संजय दत्त को ऑफर किया गया है, क्योंकि बीते कुछ सालों में संजय दत्त के नेगेटिव रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया, चाहे वो अग्निपथ हो, KGF 2 हो या शमशेरा हो, सभी मूवीज में संजय दत्त की नेगेटिव रोल खतरनाक रही है। तो इस मूवी में संजय दत्त के तमराज किल्विस वाले रोल को देखना दर्शकों के लिए काफ़ी एक्साइटेड होगा। वहीं बात करें शक्तिमान के ग्राफिक, एनिमेशन और एक्शन सीन्स की, तो इसमें हॉलीवुड लेवल के एनिमेशन और एक्शन सीन्स आपको मूवी में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, मूवी में हॉलीवुड की तरह एक्शन और एनिमेशन, हाई लेवल फाइटिंग सीन डाला जाएगा, ताकि दर्शकों को बॉलीवुड में हॉलीवुड वाला मजा जो है वो दिया जा सके। अब आते हैं मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट और लोकप्रिय किरदार यानी शक्तिमान के रोल पर। तो शक्तिमान के रोल के लिए ऋतिक रोशन को ऑफर किया गया है। ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड को कई मूवी दी है, जैसे कोई मिल गया, क्रिस 3 जैसे सुपर हिट मूवी दी है। ऋतिक रोशन को क्रिस और क्रिस 3 मूवी में एक्शन और फाइटिंग सीन के लिए बेहद पसंद किया गया। इस हिसाब से ऋतिक फिल्म शक्तिमान के लिए शक्तिमान लीड रोल के लिए सही साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो और अगर आप शक्तिमान के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।